नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नागोया प्रोटोकॉल के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारा चैनल एग्जाम सभा, जहां पर आपको हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप इस तरह के और वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उन पे क्लिक करके बाकी वीडियोस को देख पाएंगे। उसके साथ ही साथ हमारे चैनल पे कई सारी प्लेलिस्ट जो है पहले से अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। उसमें कई सारे वीडियोस जो है पहले से अवेलेबल हैं, और टाइम के साथ हम उसमें और भी वीडियोस को ऐड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है नागोया प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले आपको ये जानना है कि ये जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, एक कन्वेंशन है आपका 1993 में इफेक्ट में आया था, उसी का पार्ट है। और इसके पहले एक और वीडियो आ चुका है जिसका नाम है कार्टाजीना प्रोटोकॉल, जो आपका 2003 में इफेक्ट में आया था, और ये उसी का एक दूसरा वर्जन है जो आपका काफी लेटर स्टेज में 2010 के करीब जो है इफेक्ट में आया था। तो आपके लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि नागोया कहाँ पे है। तो नागोया आपका जापान में एक सिटी है जो आपको होशु जो आइलैंड है जापान का वहां पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि नागोया प्रोटोकॉल क्या है। तो नागोया प्रोटोकॉल का जो पूरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बड़ा नाम है, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइविंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आपको ये नाम याद नहीं रखना है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इसका नाम जो है नागोया प्रोटोकॉल है, और ये रिलेटेड है आपका जेनेटिक रिसोर्सेस से। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नागोया आपका जो है जापान में है। इसके बाद है आपका, इसका एक और नाम दिया गया है यहाँ पे, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जिसको शॉर्ट में एबीएस बोलते हैं। और ये आपका एक 2010 में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जो 1992 में जो कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जिसको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी कहते हैं, उसी का एक पार्ट है। तो आपका जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का जो कन्वेंशन था, जिसको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बोलते हैं, वो आपका 1992 में जो है साइन हुआ था और 1993 में इफेक्ट में आया था। तो उसका जो पहला प्रोटोकॉल जो आपका आपको याद रखना है वो है आपका कार्टाजीना, और उस पर अलग से वीडियो बना हुआ है। और जो दूसरा प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखना है वो है नागोया, और ये भी जो है आपका उसका एक सप्लीमेंट्री है जो 2010 में इफेक्ट में आया था। अब इसका एम क्या है ये देख लेते हैं। तो इट एम्स इन द इफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीबीडी। तो आपका जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है उसमें आपके तीन जो टोटल थे ऑब्जेक्टिव थे, तो उसी में से एक ऑब्जेक्टिव है द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो ये जो है इसका मेन पर्पज है। तो इसका जो मेन पर्पस ये है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनका इस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि उसका फेयर एंड इक्विटेबल तरीके से जो है शेयरिंग हो जो उसके बेनिफिट्स हैं उनका, उसके साथ ही साथ देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का एक पार्ट है, तो इसका पर्पज भी यही है कि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो यहाँ पे आपके लिए एक पॉइंट दिया गया है कि जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर कोई लेजिस्लेशन है वो काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा रहा है इसके मॉनिटरिंग को या फिर कलेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी को। तो ये काफी बड़ा ये आपका एक कंसर्न है। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 29 अक्टूबर 2010 इन नागोया जापान। तो 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था नागोया में जापान में, और ये जो है आपका 2014 में फोर्स में आया था, यानी करीब 4 साल के बाद जो है ये फोर्स में आया था। इट हैज बीन रेटिफाइड बाय 97 पार्टीज विच इंक्लूड्स 96 यूएन एंड यूरोपियन यूनियन। तो 96 जो है यूएन मेंबर इसके पार्ट हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल 97 इसकी पार्टीज हैं। इसके बाद है द नागोया प्रोटोकॉल वुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द अदर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीबीडी रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज सिंस बेनिफिट अकरिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज वुड एक्ट एज एन इंसेंटिव टू बायोडायवर्सिटी रिच कंट्रीज। तो आपका जो सीबीडी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, उसके तीन ऑब्जेक्टिव थे, तो उसका जो पहला है उसको तो फुलफिल करता ही है, उसके साथ ही साथ दो और ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी जो है फुलफिल
फुलफिल करता है, जिसमें आपका पहला है बेनिफिट अकरिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज वुड एक्ट एज इंसेंटिव टू बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री। जिन कंट्रीज में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है उनको भी इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे एंड देयर लोकल कम्युनिटी टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज देयर बायोडाइवर्सिटी, और उनका जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अच्छे तरीके से यूज करना भी जो है बताया जाएगा इसमें। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज सेकंड प्रोटोकॉल टू सीबीडी। तो ये दूसरा प्रोटोकॉल है, पहला जो है आपका कार्टाजीना था, और आपके लिए क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कार्टाजीना कहाँ पे है, तो ये आपका कोलंबिया में है। कोलंबिया एक कंट्री है जो आपकी साउथ अमेरिका में आती है। उसके बाद है आपका रेटिफिकेशन ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल बाय 51 पार्टीज टू सीबीडी इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड अचीविंग द फर्स्ट ऑफ द ग्लोबल एची डायवर्सिटी टारगेट। तो जो एची बायोडायवर्सिटी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए 51 पार्टीज की जरूरत थी जो है, जो आपका नागोया प्रोटोकॉल में अचीव कर लिया गया था। उसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि द नागोया प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड एट द 10th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो कोई भी कन्वेंशन होता है उसका एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जिसको सीओपी बोलते हैं। तो जो आपका सीबीडी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, उसकी जो 10वीं मीटिंग थी उसमें जो है नागोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था, और ये आपका 2010 में हुई थी। उसके बाद है इंडिया साइंड द नागोया प्रोटोकॉल ऑन 11th May 2011। तो इंडिया ने जो है इसको 2011 में साइन किया था। इंडिया रेटिफाइड ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल ऑन October 2012। तो 2012 में इंडिया ने इसको जो है रेटिफाई भी कर लिया था, और ये जो है 11th सीओपी थी जो आपका हैदराबाद में हुई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सीओपी 11 हुआ था नागोया प्रोटोकॉल का सीबीडी का, वो आपका जो हैदराबाद में हुआ था। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने बात किया कि नागोया प्रोटोकॉल क्या है, और इसके पहले कार्टाजीना का वीडियो भी आपको देखना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पे अलग से वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम सभा पे। इसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।